हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं सरोजिनी नगर मार्केट। तो आपको दिखाने वाले हैं वहाँ का लेटेस्ट कलेक्शन। तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन करना, और मुझे कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आप कहाँ के देखना चाहते हो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ 100-200 में बहुत सारे स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, और जगह जगह पे ऐसे भैया लोग भी आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। तो आपको कुछ भी लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं जो कि बच्चों का कलेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रेंडी ट्रेंडी जो मैक्सी ड्रेसेस हैं वो भी आपको यहाँ पर कॉटन के फैब्रिक में अवेलेबल मिल जाएंगी। बात अगर रेंज की करें तो रेंज बहुत ही कम होने वाली है। तो मैं यहाँ पे जल्दी ही पहुँच गई थी तो मुझे इतना खास रश यहाँ पे नहीं मिला था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपीज़ में कितना प्यारा बच्चों का कलेक्शन है। और साइड में मैंने देखा तो यहाँ पे 200 की रेंज में काफ़ी डेली वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टफ था, जिसमें कोई मिस मैच था, जिसमें ड्रेसेस कुर्ती और कुछ ट्रेंडी सेटों। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है पर्स का कलेक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने भैया से पूछा कि ये पर्स कितने के हैं, तो भैया ने बोला कि कुछ इसमें से 150 रुपये के हैं, कुछ यहाँ पे हैंड पर्स जो कि हम पर्स की तरह यूज कर सकते हैं वॉलेट की तरह, वो 100 में थे, और जो बड़े वाले पर्स थे भैया ने बोला उनकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है। तो मार्केट में सारे जगह पर आपको ऐसे भैया मिल जाएंगे जो कि गुची वगैरह के परफ्यूम बेचते हैं, बिकॉज़ ये थोड़े से फेक होते हैं, इसलिए आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, नहीं लेना तो मत लीजिए। और यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे थे कुछ नेट के फैब्रिक में थे जो कि थे 80 रुपीज़ में। सो इतने ज़्यादा खास और अच्छे प्राइस नहीं थे ये, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा कवर नहीं करा। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी काफ़ी थी, ले भी रहे थे लोग, पर मैंने इनको कवर नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 100 में भैया बहुत ही प्यारे से सेट बेच रहे थे जो कि बॉयज़ कलेक्शन था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे इनके पास। तो यहाँ पे आपको लॉन्जरी का कलेक्शन मिल जाता है, इसमें बिल्कुल भी आपको साइज का इशू नहीं होने वाला, बड़े भी हैं। और यहाँ पर आपको तो यहाँ पे हम देख लेते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे शूज़ के कलेक्शन थे जो कि गर्ल्स के थे, और बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लैट भी यहाँ पे मिल जाएंगे जो कि टॉप्स वगैरह थे। अब बात करते हैं शूज़ की, तो शूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो यहाँ पे भैया ने बोला कि 3 रेंज में अवेलेबल हैं, 350, 400 और 600 की रेंज में आपको बाहर मिल जाएंगे। जब आप दुकान के अंदर जाएंगे तो आपको और भी अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्लीपर्स की और फ्लैट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, वो आपको मिलेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 200 में, यानी 200 रुपये में। तो आप देख सकते हैं कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था, और मार्केट में जगह जगह पर आपको ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे। पार्टी वेयर ही थे ये, बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था। आप बात कर लेते हैं यहाँ पर कपड़ों की, तो गर्ल्स का बहुत ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पे भरा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि हैं 200 की रेंज में थे, तो ट्राउज़र थे, और बॉयज़ की बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था जो कि थी सेट हैं। टी शर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी कॉटन मटेरियल में, सूज़ भी इसमें अवेलेबल थे, रेंज थी 490 रुपये। अब ट्राउज़र की आप कलेक्शन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थे, डिफरेंट कलर्स में थे, कलरफुल थे। अब यहाँ पे हम मैंने देखा तो अनारकली कॉटन ड्रेसेस थी जो कि थी बैंक के सामने।
अब यहाँ पे आपको कॉटन के मटेरियल में गर्मियों के बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो कि शॉर्ट कुर्ती अभी चल रही हैं जींस के साथ गर्ल्स की, तो वो भी आपको 200 की रेंज में यहाँ पे मिल जाएंगे। आप बात कर लेते हैं बॉयज़ कलेक्शन की, तो बॉयज़ कलेक्शन भी यहाँ पे 200 रुपये में पजामे थे, बॉयज़ के लिए लोअर थे, और 150 में यहाँ पे आपको कैफ्री मिल जाएगा जो कि बॉयज़ का होने वाला है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए काफ़ी ट्रेंडी कुर्तियाँ हैं जो कि शॉर्ट हैं, अभी आप जीन्स के साथ ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, और यहाँ पे आपको लॉन्ग कुर्ते भी मिल जाएंगे जिसे आप डेली वेयर में यूज। तो यहाँ पे काफ़ी सैंडल्स के ऑप्शन थे, तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल में थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो भैया ने इनकी रेंज मुझे बताए, भैया ने कहा कुछ इसमें 300 की हैं और कुछ इसमें 250 की है। जूतियाँ भैया ने बोला 250 की रेंज में आपको मिल जाएंगी, बाकी आपको 300 की रेंज में यहाँ पे 300-400 की रेंज में मिलेंगी। और भैया ने बोला कि जो अंदर लगा हुआ है वो सब 350 या फिर आपको 400 या 500 की रेंज में मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप देख लेते हैं बच्चों के भी काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे, और सारे कपड़ों के प्राइस 150 थे, तो 150 में कोई भी आप एक पेयर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखा हुआ था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, अगर आप ऐप वगैरह पे किसी भी पे देखते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा आपको महंगी मिलती है, और मार्केट में आपको ये काफ़ी सस्ती मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 200 रुपये में हमें स्कर्ट मिल जाते हैं जो कि कॉटन के हैं, कॉटन फैब्रिक में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और यहाँ पे आपको 250 में ये काफ़ी ट्रेंडी, और आपको 100 में बहुत ज़्यादा अच्छे टॉप मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 100 में मिलने वाले हैं नेट की ड्रेसेस जो कि अभी यहाँ पे चलने काफ़ी चल रही है। तो यहाँ पे आपको 350 में मिलने वाले हैं लोअर का कलेक्शन, 100 में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे टॉप, और 200 में यहाँ पे आपको मिल जाएगी लोअर का कलेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीन्स भी 150 में आपको यहाँ पे जीन्स अवेलेबल मिल जाएंगी जो कि गर्ल्स के होने वाले हैं, और 100 में यहाँ पे आपको टॉप मिलेंगे जो कि कॉटन के होने वाले हैं। सो 250 में यहाँ पे आपको मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी स्कर्ट जो कि होने वाले हैं लॉन्ग और शॉर्ट। तो ये लॉन्ग में थे, और आप साइड में देख सकते हैं प्राइस रेंज दोनों की सेम थी, और यहाँ दोनों की डिफरेंट थी। 150 में आपको मिलेंगे शॉर्ट, और 200 में आपको फुल मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे इयरिंग भी थे जिनकी रेंज बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो भैया ने यहाँ पे बोला कि इसकी रेंज यहाँ पे 30 रुपये थी, तो 30 रुपये में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे काफ़ी जल्दी चली गई थी, सो मुझे रश बहुत कम मिला था, और चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी मिल गई थी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 150 की रेंज में गर्ल्स के लोअर थे जो कि डेली वियर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और 100 में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऐसे टॉप जो कि डेली वियर के लिए बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो डेकोरेशन का भी आपको सामान मिल जाएगा, और यहाँ पे मेकअप वगैरह का भी आपको कॉस्मेटिक वगैरह भी मिल जाते हैं, बट ये थोड़े फेक होते हैं, सो आपको बाय करना हो तो आप करो, बट मैं यहाँ से मेकअप बाय बिल्कुल भी नहीं करती, सो मैंने इसे ज़्यादा वो नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया। सो आप यहाँ पे आगे देख सकते हो जीन्स का कलेक्शन था काफ़ी अच्छा, गर्ल्स का भी था बॉयज़ का भी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रालेट थे जो कि काफ़ी अच्छी रेंज में थे, अभी मार्केट स्टार्ट ही हो रही थी, सो अभी धीरे धीरे से शॉपकीपर अपना जो कि सामान है वो लगा रहे थे। तो यहाँ पे भैया बैठे हुए थे जिनके पास थे क्लेचर्स वगैरह और रबर बैंड वगैरह जो कि भैया ने बताया था कि 20 रुपये का पैकेट है छोटा वाला, और बड़ा वाला 50 रुपये का है।
और भैया ने यहाँ पे बोला कि क्रेचर 100 रुपये 100 रुपये के 5 हैं, अगर आपको एक चाहिए तो फिर आप यहाँ पे 20 रुपये में एक भी ले सकते हो। आप यहाँ पे आ जाते हैं तो बैगों का कलेक्शन भी था, तो भैया ने बोला कि यहाँ पे 350 के जो छोटे वाले हैं वो हैं, और जो ज़्यादा बड़े आपको दिख रहे हैं उनकी रेंज भैया ने बोला कि 700, और भैया ने बोला कि 100 तक यहाँ पे, भैया ने बोला 1000 की रेंज तक हमारे पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था। तो यहाँ पे आपको नेकलेस वगैरह का कलेक्शन मिल जाएगा, चूड़ा सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, झुमके भी आपको यहाँ पे अवेलेबल थे। भैया ने बोला 100 रुपये के हैं झुमके, और जब मैंने भैया से पूछा कि ये हार वगैरह कितने के हैं, तो ज्वेलरी भैया ने बोला कि हर ज्वेलरी के प्राइस अकॉर्डिंग अलग अलग हैं। तो मैंने भैया से पूछा तो भैया ने मुझे 1-2 के ही प्राइस बताए। भैया ने कहा कि 300 और 400 की रेंज में हैं, और ये भैया ने यहाँ पे बताया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ट्रेंड में है। सो भैया ने कहा कि आपको यहाँ पे 100 रुपये में ये बैंगल्स मिल जाएंगे, जिसे आप किसी भी जोड़ी के साथ सेट करके अपना सेट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा आगे आने पर मुझे यहाँ पे मोबाइल कवर दिखे, जिनके प्राइजेस अलग अलग थे। भैया ने कहा कुछ 200 की रेंज में है और कुछ 100 से ही स्टार्ट थे, सो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्राईपॉड वगैरह भी हैं, और यहाँ पे मेकअप का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। सो ये ओरिजिनल नहीं होते हैं, डेफिनेटली ये फेक होते हैं, बट यहाँ से काफ़ी लोग परचेज कर रहे थे और वो यहाँ से लेते भी हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी टी शर्ट के कलेक्शन थे जो कि होने वाले हैं बॉयज़ के लिए। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। भैया ने कहा 300 की रेंज से स्टार्ट है, 250 में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। और आप कलर देख सकते हैं, काफ़ी कलरफुल और वैरायटी है इनकी, डिफरेंट है, सो काफ़ी ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं समर के लिए, तो परफेक्ट होने वाले हैं बॉयज़ के लिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, 150 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, जो कि था गर्ल्स का भी था, और तो आप इसे डेली यूज़ में पहन सकते हैं आराम से। और ये क्या कहते हैं, तो ये डेली यूज़ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसको वेयर कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ से ले भी रहे थे, परचेस भी कर रहे थे, तो ये मैंने देखी, इसमें कोका कोला लिखा हुआ था, तो ये भी ठीक थी। तो मुझे वो, आप यहाँ पे वाइट सेटों का भी कलेक्शन था जो कि बॉयज़ का था, उसमें कुछ गर्ल्स का भी था, सो आप इनमें डाई करा सकते हैं जैसा भी आपको कलरफुल करवाना हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ट्रेंडी ट्रेंडी जो अभी चल रहे, नी लेंथ तक काफ़ी अच्छे हमें आ जाते हैं, जो कि कॉटन फैब्रिक में थे, 250 में सेल में थे, तो यहाँ से भी काफ़ी लोग ले रहे थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। 250 में इनका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था, ऑप्शन बहुत सारे थे, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सो रेंज इन सारों की एक ही थी, तो भैया ने बोला कि साइज का इशू होगा तो चेंज हो जाएगा, बट कौन ही चेंज करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, स्कर्ट भी थे बहुत ज़्यादा अच्छे, लॉन्ग थे, कुछ कॉटन में थे और कुछ थोड़ा सा
जरी वगैरह में थे। तो यहाँ पे 100 रुपये में फिर से कलेक्शन आ जाता है बॉयज़ का और गर्ल्स का मिक्स मैच। तो यहाँ पे ट्राउजर्स आप देख सकते हैं गर्ल्स के लिए थे जो कि थे 250 की रेंज में, कुछ